फ्रेंड्स मेरे हाथ में एक सिंगल पीसीबी का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप इधर देख सकते हो एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जिसका ट्रांस रेशियो 25:25:25। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इससे पता चल रहा है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में तीनों कॉइल लगा है और ये ड्राइवर सेक्शन को मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर को कैसे ड्राइव करता है इसके बारे में सर्किट डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड इधर देखिए, इधर एक सिमेट्रिक डायग्राम आधा बना है, आधा हम लोग ड्रॉइंग करेंगे। ऐसे स्टडी करने से पहले हमको आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए रिपीट करवा दे रहा हूं। देखिए एक फेड का जो सिंबल कैसा होता है फ्रेंड, ये सिंबल में देखिए एक फेड है, फेड में क्या होता है गेट ड्रेन सोर्स। देखिए गेट फॉर जी फॉर ग्रेट, एस फॉर सोर्स, डी फॉर ड्रेन। फ्रेंड आप पहले पता कर लीजिए, मालूम कर लीजिए, मतलब जान लीजिए इधर जो टर्म दो एक साथ जुड़ा है बाहर की तरह एरो है, तो एरो मतलब एरो कुछ है बाहर अंदर बाद में होगा, दो एक साथ जुड़ा है एक एरो है, ये क्या होता है ये सोर्स पिन होता है। उसके बाद सोर्स जिस तरह डिनोट करता है, सोर्स को डिनोट देख के आपको पता चलेगा किस टाइप का है, ये सोर्स बाहर की तरह है मतलब ये पी चैनल का फेड है और एक सिंगल टर्मिनल है ये ड्रेन है, ये देखिए ये गेट है, ये पी चैनल का है इसलिए इसका सोर्स में पॉजिटिव होगा, ड्रेन में नेगेटिव होगा और गेट में भी नेगेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता चल गया, आपके पास शुरू करते हैं। वैसे अगर ये एन चैनल का होता उसका उल्टा होता, मतलब जिस जगह में आपका माइनस है उस जगह में प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। देखिए इधर एक आईसी, ये जो लगा है मतलब फेड दिखा है, एक्चुअली में फेड नहीं लगा रहता है, एक कॉम्बो आईसी लगा है डुअल चैनल, ऐसे एक हाफ डिस्टॉपलेज मतलब ऐसे आईसी लगा रहता है। जो आईसी को लेके अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये 4060 आईसी है, 4060 आईसी। अब इधर देखिए ये दो D1 मतलब ये टर्मिनल, देखिए टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन का टर्मिनल है, एक टर्मिनल 1 S2 है, टर्मिनल 2 G2 है, मतलब इसका अंदर जो ड्यूअल पैकेज दो, इसका अंदर दो फेड लगा है, एक एन चैनल का फेड है, पी चैनल का फेड है, इसका गेट 1 गेट 2 ऐसे करके लगा है। ठीक है, देखिए सोर्स 2 है गेट 2 है, सोर्स 1 गेट 2, D1 D2 मतलब ये कॉन्फिगर किया है और मैं इधर इसका ड्राइंग भी कर दिया हूं, एक आईसी का ड्राइंग किया हूं और एक आईसी, दो आईसी लगा रहता है और एक आईसी का इधर करूंगा। तो ऐसे ड्राइवर सर्किट को ड्राइव करने के लिए क्या आता है, एक PWM सिग्नल आता है। ठीक है ना फ्रेंड, ये PWM सिग्नल क्या होता है, PWM सिग्नल उसका फुल फॉर्म होता है PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये सिग्नल का ग्राफिकली में देखूं तो कैसे होता है, ये होता है एक टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऑन होता है उस टाइम में, मतलब PWM सिग्नल ये पॉजिटिव हुआ, ये हाई हुआ, मतलब पॉजिटिव साइड ले लिया, पॉजिटिव अगर कंसीडर करेंगे हाई मतलब पॉजिटिव ही होता है हाई है, उसके बाद सेकंड स्टेज में ये नेगेटिव होता है, ऐसे करके जाता है। तो ये दो PWM सिग्नल आता है, चैनल 1 चैनल 2 या चैनल ए चैनल 2 सर्किट में लिखा रहेगा, एक ए आया और एक PWM सिग्नल, सेम PWM सिग्नल और एक भी आ रहा है, ये अगर इस टाइम में ये नेगेटिव है तो इस टाइम में उस जगह में पॉजिटिव होगा उसके बाद नेगेटिव होगा, मतलब ऑपोजिट नेचर में होगा। जिस टाइम का सर्किट ऑन होता है, मतलब अगर चैनल ए में आपका चैनल ए में जिस इंस्टेंट अभी नाउ इंस्टेंट इस सेकंड में ये पॉजिटिव हो रहा है, उस सेकंड में उस टाइम में नेगेटिव हो रहा है, दूसरा में नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये आपका पॉजिटिव उस टाइम में, टाइम देखकर एक टाइम जोन है, एक टाइम है, एक क्या होता है इसका, अगर आप लोगों को ग्राफ में दिखाऊं, अगर हम लोग ग्राफ में दिखाऊं, अगर इसको हम टी से डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज में डिनोट कर रहे हैं,
तो इस टाइम में अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, इस टाइम में एक सिग्नल, अगर सिग्नल ये पॉजिटिव हो रहा है तो उस टाइम में क्या कर रहा है, सिग्नल बी जो है नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद टाइम में देखिए ये नेगेटिव हो रहा है सिग्नल है, ये पॉजिटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है, टाइम का रेस्पेक्ट में जिस टाइम में एक सिग्नल पॉजिटिव होगा दूसरा सिग्नल नेगेटिव होगा, बस और कुछ नहीं, ये फंडा है। ठीक, अब लोगों को समझ में कि ये सारे चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, अब लोग मुझे क्वेश्चन भी कर सकते थे या सोच सकते हो आप लोग सर ये क्यों दिखा रहा है, इतना क्यों दिखा रहा है, बोल देने से चलता, क्योंकि देखिए सर आप तो वेल्डिंग मशीन में नहीं रहे होगे ना, आपको तो बांटना आगे चलना है। अभी MPPT करके, MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, एक PW है, ये सारे सिग्नल आ गया है, इससे भी एफिशिएंसी ये है, एक इस ये भी अपना मतलब अपना अकॉर्डिंग टू अपना सर्किट में ये भी काम करेगा। अगर सोलर टेक्नोलॉजी में काम करेंगे तो इसमें ये ज्यादा अभी कन्वर्ट हो रहा है, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए सिग्नल का नेचर आपको जानना है। अब फ्रेंड ये सर्किट के बारे में मत सोचिए, सर्किट में दे दूंगा वेल्डिंग मशीन कंट्रोल कार्ड सर्किट डायग्राम करके, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, 2-3 स्क्रॉल करने के बाद एक वेबसाइट आएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो भी दे दूंगा साइड में, इधर ऐसे देख पाओगे तो उससे देख के डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन इसमें ध्यान दो, चलो इसको साफ कर दो। हो गया फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए और एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी ड्राइवर सर्किट को ड्राइव करने के लिए जो वोल्टेज के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो दो होता है, एक होता है क्या, एक ड्राइव करने के लिए ड्राइवर वोल्टेज, और एक होता है उसको स्विचिंग करने के लिए, और जो PWM सिग्नल MPPT को भी आएगा तो एक ड्राइवर वोल्टेज है, ड्राइवर के लिए वोल्टेज आता है, ये DC आता है, प्योरली DC होता है। इस वेल्डिंग मशीन में मैक्सिमम केस में 15 वोल्ट DC होता है फ्रेंड्स, DC होता है 18 वोल्ट भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इधर देखिए प्लस P दिया हूं, ये दो IC का देख लीजिए, ये IC का, अब इधर देखिए सबसे पहले देखिए पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, आने के बाद मैंने क्या बोला जे ये दो टर्मिनल एक साथ जुड़ा है उसका मतलब सोर्स है। देखिए इधर एक सोर्स में आके लग गया, उसके एरो कहां है, बाहर की तरह है, उसका मतलब ये P चैनल का फेड है, पिछले का फेड आ गया, आने के बाद इधर से आउटपुट हो रहा है, इस आउटपुट में आके कॉमन हो क्या, ये क्या कर रहा है, ये और एक फेड का जो है इन चैनल का फेड का आपका क्या किसमें लग गया, आपका ड्रेन में लग गया। ठीक है ड्रेन में लग गया, उसके बाद देखिए ड्रेन से आउटपुट होकर सोर्स से ग्राउंड हो गया, और इस दोनों को ट्विस्ट करके इधर से एक सप्लाई ले लिया। मतलब अगर किसी वजह से आप ये ध्यान दीजिए, किसी वजह से ये दो ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट कार्ड ऐसे करके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब इसका अंदर एक आईसी, ये जो आईसी का अंदर दो लगा है, अगर आप ये G1 G2 इसमें दो में किसी वजह से सप्लाई आ जाएगा तो क्या करेगा, फूट जाएगा, ये आप कॉन्फर्म रहिए, ये फूट जाएगा, ये आपको ध्यान देना इसमें ये फूट जाएगा, तो इसलिए आपको इस हिसाब से काम करना है। तो ये फूट जाएगा, तो अगर किसी वजह से आप देखोगे, आप क्या देखोगे, किसी वजह से आप देखोगे आईसी हीट हो रहा है, फॉल्ट में आएंगे आईसी हीट हो रहा है, तो आपका PWM सिग्नल में कुछ इशू है, क्योंकि ये आगे पता चलेगा इशू है, ये इसलिए हो सकता है क्या, ये जो इंपीडेंस है, ये जो ये किसको दे रहा है इंपीडेंस, मतलब ये किसी को लोड दे रहा है ना फ्रेंड्स, ये लोड किसको दे रहा है, ट्रांसफार्मर को ड्राइव कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले ट्रांसफार्मर देख लेते हैं सर्किट में, मेरा मैं अकॉर्डिंग टू जिस सर्किट के मैं बोल रहा हूँ उसमें T2 लिखा है, टी का मतलब T1 क्या है, T1 है वो SNPS का ट्रांसफार्मर, T2 का डायफर है। इसमें क्या होता है 20:20:20 बोला था, ये 25 टर्न्स है, ये जो लगा है ये 25 टर्न्स है, एक है प्राइमरी में है, सेकेंडरी में ये भी 20 टर्न्स है, 28 टर्न्स है, बट इसका मतलब फेस शिफ्टिंग अलग है, मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट है, मतलब ये दोनों है उल्टा है। अगर ये थ्योरेटिकली बोला और प्रैक्टिकली बोलेंगे तो आप समझ लीजिए ये इसका स्टार्टिंग है, तो ये इसका स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना, ये उल्टा है। इसका जो मैं जो वेबसाइट के बारे में आपको बोला उसमें भी सारे से डिटेल में लिखा है, धीरे धीरे स्टडी कर लोगे, अगर मिस हो रहा है तो उसको पढ़ के भी स्टडी कर सकते हो।
तो उसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है, सेकेंडरी में टू आउटपुट है। ए अगर ये पॉजिटिव साइड हाई साइड मतलब एक पॉजिटिव मतलब मेन 350 वोल्ट के साथ पॉजिटिव साइड में एक फेड एक सीरीज में फेड लगा होता है, एक नेगेटिव के साथ भी फ्रिज लगा होता है लो साइड में, तो अगर इस साइड को ऑन करता है तो इस साइड को बंद रखता है, इस साइड को ऑन करता है उस साइड को चालू रखता है, ऐसे करके चालू बंद करने के लिए सिस्टम लगा है, दो आउटपुट दिया है। ये आगे जब स्टडी करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या है, इसको ऑन करना है, ये मोटो आपको ध्यान दीजिए, ये इसको ऑन करना है। इसके कैसे ऑन करना है, इसको ऑन करना है, बट इसका जो करंट का नेचर है बाइपोलर करना है। बाइपोलर मींस एक बार करंट ऐसे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो करंट एक बार ऐसे डायरेक्शन में घुमाना है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड करंट पठाना है, उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनता है कोर के अंदर, ये डॉटेड है, ये कोर है, टाइट फेरॉइड कोर है, और कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर इस नेचर में होगा करंट की वजह से, दूसरा एक नेचर में होगा, दूसरा इंस्टेंट में ये होगा। तो हम लोग जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाते हैं, आगे स्टडी करेंगे करते रहोगे क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है ना, इसके अंदर चेंजेबल चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है, बट उसका नेचर अलग होगा। अगर करंट इस तरह से एक बार घुमा देंगे तो एक जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, उस तरह से घुमा देंगे तो उल्टा डायरेक्शन में बनेगा। उसका डायरेक्शन से बनने से क्या होगा, उसका इस एक्स टाइम में इसमें जहाँ पॉजिटिव होगा एक पल्स में, और दूसरा जगह चेंज करवा देंगे तो इस जगह में नेगेटिव बनेगा। यही हम लोग का मेन पॉइंट है, क्यों काम करते हैं, इसमें सर्किट बना रहा हो, समझ में आ रहा है शायद, नहीं भी आ रहा है तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कॉमेंट भी कीजिए। तो समझ में आ गया, फिर देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से आ रहा है सप्लाई, पॉजिटिव के आने के बाद ये क्या देखा था सोर्स है, उसके बाद ये ड्रेन है, उसके बाद इधर आ गया, ये ड्रेन है, उसके बाद ये सोर्स है, लग गया, ये दोनों के बीच से कपलिंग करके एक सप्लाई ले लिया। उसका मतलब क्या, अगर इसको ऑन करेंगे तो इधर से नेगेटिव फ्लो हो जाएगा, उस टाइम ये बंद रहेगा, मतलब अगर इसको इन चैनल को ऑन किया, फ्रेंड्स देखिए इस चैनल को ऑन किया तो उस टाइम ये बंद रहता है, तो नेगेटिव से ऐसे करके करंट नेगेटिव से चलना शुरू हो जाता है, इधर से आ जाता है, ठीक है। और दूसरा इंस्टेंट में क्या होता है, देखिए ये जब हाई किया, मतलब आप समझ लीजिए ये हाई किया, पॉजिटिव है, अगर इसमें गेट में पॉजिटिव आ गया, इसमें इसमें क्या होता है, ये एन चैनल है, एन चैनल का गेट में पॉजिटिव दे दूंगा तो इसका ड्रेन टू सोर्स करंट चलना चालू हो जाएगा। तो क्या करता है, ये क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इस टाइम पॉजिटिव आ रहा है, दोनों देखिए दोनों एक साथ जुड़ा रहता है, ये दोनों को एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस दिया है, लो ओम रेजिस्टेंस, इस सर्किट में 10 हो सकता है, दूसरा 12 15 10 7 8 ऐसे हो सकता है, इसलिए टर्म को ध्यान रखिएगा। मैं बोलता हूँ जो लो ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, लो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहता है, दोनों एक साथ को ट्विस्ट करके ये जो दो गेट है, एक लो ओम्स का एक लो ओम्स का ट्विस्ट करके चला दिया रहता है। तो जब पॉजिटिव आता है तो ये काम करता है, इधर से नेगेटिव चालू कर देता है, इस कॉइल से नेगेटिव चला जा रहा है। उसके बाद जिस इंस्टेंट में ये नेगेटिव आ रहा है तो इधर से ये पी चैनल को फायर कर दे रहा है, तो ये उस टाइम तो ये बंद हो जाता है, ये बंद नहीं होगा, मतलब इसको स्विचिंग करना बंद कर देगा, लेकिन ये अपने से नहीं बंद होगा, इसको बंद करवाना पड़ेगा। मतलब एक चीज होता है, एक अगर नॉन टेक्निकल बात करके समझा रहा हूँ आपको, गाड़ी का हम लोग चलाते हैं बाइक या फोर व्हीलर चलाते थे, हम एक्सेलेटर देते हैं गाड़ी पिकअप लेकर चला जाता है, बट हम एक्सेलेटर छोड़ देंगे तो हम क्या गाड़ी को खींचना बंद कर दे, मतलब गाड़ी को फोर्स देना बंद कर दे, लेकिन गाड़ी तो एक्सेलेटर में चलता रहेगा ना, तो उसको डाउन करना आता है, उसको बंद करना पड़ता है, तब ना बंद होगा। हम गाड़ी चलाते रहते एक्सेलेटर प्रेस कर रहे थे, एक्सेलेटर ये बाइक में एक्सेलेटर घुमा रहे हैं, तो एक्सेलेटर घुमा रहा मतलब गाड़ी को खींच रहा है, इंजन खींच रहा है, एक्सेलेटर बंद कर दिया मतलब इंजन नहीं खींच रहा है, बट गाड़ी का जो स्पीड है इस वजह से गाड़ी चल रहा है, ये क्लियर हो गया ना। तो जब ये हाई हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये जो इन चैनल का को खींच रहा है, आगे लेके जा रहा है, बट जब नेगेटिव आ रहा है तो इसको ऑन कर रहा है, इसको खींच रहा है, इसको नहीं खींच रहा है इंजन की वजह से, बट ये तो दौड़ रहा था, इसको तो दौड़ रहा था, इसको तो नहीं बंद कर रहा, तो इसको बंद करने के लिए पुल डाउन नेटवर्क लगाता है, पुल डाउन सर्किट लगा रहता है, इसके वजह से आप लोगों का बार बार ये फॉल्ट होता है, ये होता है, वो सारे होता है, ठीक है, मतलब ये गर्म होता है, बहुत कुछ सर्किट है, इसको भी स्टडी करेंगे। तो देखिए ये इधर से नेगेटिव चला जाएगा, उसका उसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव में जब हुआ था ये ऑन हुआ था, जब ये नेगेटिव में हो रहा है तब ये ऑन हो रहा है,
तो इस वजह से पॉजिटिव से जब पॉजिटिव आ रहा था नेगेटिव इधर से घूम के जा रहा था, जब इधर नेगेटिव आ रहा है तो इधर से पॉजिटिव ऐसे करके घूम के आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ग्राउंड भी करवा देंगे, इसको अगर ग्राउंड करवा देंगे तो जब नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा तो काम नहीं करेगा, पॉजिटिव से आएगा तो ग्राउंड होगा तब काम करेगा। ये मैं ग्राउंड के दिए दिखाऊं, मतलब एक टाइम जलेगा काम करेगा, एक टाइम नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए बाकी क्या कर रहा है, इतना तक आ गया। ये सारे नेटवर्क को हम बाद में कंसीडर कर रहे हैं, इसको ड्राइंग करके रखा हूं बाद में कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले क्या कर रहा हूं, ये दो आता है ना, दो इनपुट सिग्नल आता है ना, 3140 आईसी है, SG3525 आईसी है, बहुत आईसी लगा है, उससे आता है ना, दो चैनल से आउटपुट देता है। तो चैनल ए में पॉजिटिव दिया, उसके वजह से ए सर्किट ऑन हुआ। ठीक है, ऑन होने की वजह से नेगेटिव घूम के आ रहा है। इसके अंदर देखिए, उसके बाद देखिए 200 ओम्स 200 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद उसके अक्रॉस में दो कैपेसिटर लगा है। ए क्यों लगा है, ये एक लो ओम्स का इम्पीडेंस देके लगा है, किसी वजह से अगर डायोड ये सारे शॉर्ट हो जाएगा, ये कॉइल खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको इस आईसी को तो बचाएगा सर्किट, इसलिए डिजाइन किया है। और बाकी ये पीएफ क्यों लगा है, ये कोई भी तो जब स्विचिंग होता है, मतलब D5 DDT होता है, मैग्नेट चेंज होता है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से इसमें EMF बनता है, एसी नेचर में उसको बाईपास कर देगा, उसके वजह से इसका जो इस सिस्टम में जो एसी है उसको नेग्लिजिबल करेगा, ये सर्किट लगा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फाइल में पॉजिटिव आ गया, तो इधर से नेगेटिव घूम के इतना तक चला आया। फिर इसको तो कुछ करना पड़ेगा, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग, अगर इधर से नेगेटिव आ रहा है तो इसको तो पॉजिटिव के साथ देना है, तब तो सर्किट क्लोज होगा, ये तो क्लियर है ना। तो इस जगह में आप सोच लीजिए, ऐसे एक पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, सेम टू सेम इधर करना है, क्या करना है, ए इसमें पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। तो सोचो फ्रेंड्स क्या करते हैं, पॉजिटिव के साथ जोड़ना है तो इधर हम तो ए पॉजिटिव के साथ जोड़े, इस वजह से होगा। तो इधर जब मैंने क्या बोला था, चैनल ए चैनल बी है, चैनल ए चैनल बी है, तो उस जगह में क्या होगा, नेगेटिव जगह में नेगेटिव एक आता है, तो नेगेटिव आता है मतलब नेगेटिव सिग्नल आ रहा है एक ही इंस्टेंट में, इधर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव किसको देगा, नेगेटिव किस मॉस्फेट को फायरिंग कर सकता है, पी चैनल को। तो हमको क्या करना है, एक पी चैनल को लेना है, पी चैनल का मॉस्फेट यूज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको क्या करना है, पॉजिटिव के साथ फायरिंग करना है। तो क्या करेंगे, पी चैनल का मॉस्फेट लेना है, एन चैनल ला लूंगा, तो इस जगह में पॉजिटिव ही चाहिए था, दो एक ही साथ पॉजिटिव चाहिए था, तो काम करता, क्योंकि हमको क्या करना है, ये इधर नेगेटिव मिल रहा है दूसरा साइड में, तो इसलिए हमको पी चैनल लगाना है, तो पी चैनल उसका नेगेटिव का उस मॉस्फेट का गेट में दूंगा तो फायर करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए इधर एक लगा दिया उसका जो मतलब ये ड्रेन में, एक ड्रेन में दे दिया मॉस्फेट में, मॉस्फेट का, और इधर देखिए बाहर की तरफ एरो कर रहा हूँ, मतलब ये सोर्स है बाहर की तरफ, ये मतलब पी चैनल है, ये जाके क्या करेगा, डायरेक्ट ये एक मतलब जो ड्राइवर वोल्टेज है 15 वोल्ट इस सर्किट की इसमें बोला था उसमें लग गया। अरे गेट है, आप गेट देख सकते हैं, ये गेट क्या करेगा, एक गेट है, एक गेट को आपका एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगर ये लो ओम्स का रेजिस्टेंस दिया रहता है 10 ओम इस सर्किट में, 10 ओम्स दो के वजह से दिया रहता है, ये लो ओम्स का रेजिस्टेंस अगर नहीं दूंगा, ये RS MOSFET शॉर्ट हो जाएगा तो IC को खराब कर देगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जल जाएगा तो IC को सेफ्टी करेगा, तो इसलिए ये डिजाइन बेसिस में लगा रहता है। तो ये देख के इस सर्किट में अगर जुड़ जाएगा, इसके इस इंस्टेंट में जुड़ जाएगा, और ये अगर इस इंस्टेंट में आगे ये जुड़ जाएगा तो ये सर्किट क्लोज हो रहा है, बट ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐसे घूम के नेगेटिव में जा रहा है। फिर इधर आप देख सकते हैं डायोड लगा है, ठीक है, ये डायोड लगा है, ये डायोड लगा है, ये रिवर्स बायस में लगा है, रिवर्स बायस में मतलब इधर आप देखो फ्रेंड्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट ये क्या है, ये डायोड का कैथोड है, ये एनोड है, ये पता है आप लोग,
एनोड अगर नहीं पता है तो कमेंट में बोलिए, और धीरे धीरे हम जब स्टडी करेंगे तब तो आपको पता चल जाएगा। ये कैथोड है, ये कैथोड है एनोड, पॉजिटिव में नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव है, रिवर्स बायस में। एक किस टाइम में काम करता है, जब स्विचिंग होता है उस टाइम नहीं काम करता है, जब स्विचिंग बंद होता है, मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज होता है, हिंदी में क्या कोलैप्स बोलते हैं, डीमैग्नेटाइज होता है, तो उसके अंदर ये दोनों में वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है। इस प्रोड्यूस का इसका जो ड्रेन टू सोर्स ट्रेस वोल्टेज है, मतलब ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायस में जितना वोल्टेज, मतलब एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। अगर वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए शॉर्टकट में बोलना चाह रहा हूँ। एक सिस्टम है, एक है टेक्निकल टर्म है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज करके एक है, उसके वजह से इसका जो है रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज उससे ज्यादा चला जाएगा, या चला जब चला जाएगा तो क्या करेगा, ये मॉस्फेट जो है, मतलब ये आईसी, इस केस में आईसी है, इसको डैमेज कर देगा। तो ये इधर से इसका अंदर से नहीं जाएगा, तब इधर से जाके ये डायोड के थ्रू चला जाएगा, तो इसको सेव करेगा। तो इसलिए आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, कमेंट में रहता है, सर इस नंबर में लगा था, इसमें वो लगा सकता है वो कि नहीं। सर आप लोगों को दो चीज ध्यान देना है, जिसमें डायोड लगा है उसको कॉन्फर्म आपको डायोड वाला ही लगाना है, वो मॉस्फेट का बात बोल रहा हूँ, आप लोग जो पूछते हो कमेंट में ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जिसमें डायोड लगा है उसमें लगाना है, क्योंकि अगर डायोड नहीं लगाऊंगा तो रिवर्स बायस में जब वोल्टेज आता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डीमैग्नेटाइज होता है, तब से ये बैग ईएमएफ, इसको बैग ईएमएफ भी बोलते हैं, बहुत काम बैग ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ इसके अंदर से चला जाएगा तो ये मॉस्फेट को फुटा देगा, तो ये डायोड लगा रहता है, तो जहां पे डायोड है डायोड लगा है। तो अब इतना तक हो गया, तो इसको इसको मैं थोड़ा एक कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो जगह हो जाएगा। तो 10 ओम लगा है, हो गया काम तमाम। 10 ओम लग गया, सॉरी 10 ओम लगाने से नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में जब दूसरा पल्स आएगा 10 ओम के साथ जाएगा, अगर कुछ नहीं दूंगा तो उधर से वोल्टेज चला जाएगा। इसलिए इसमें क्या करता है, एक्चुअली रियल केस में इसमें क्या होता है, एक डायोड लगा, जेनर डायोड लगा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रियल केस में जेनर डायोड दे के डायोड में भी कैपेसिटर दे के ऐसे लगा है, जेनर डायोड इस सर्किट में 6.2 वोल्ट है, 6.2 वोल्ट से ऊपर इसका गेट में वोल्टेज ही नहीं जाएगा, इसलिए लगा है 10 ओम लगा है। ये आपका क्लियर हो गया, इधर ये डायोड क्यों लगा है, क्यों लगा है, सर्किट में और भी एनालिसिस करने से पता चलेगा, अभी तो पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर देखिए सेकेंड इंस्टेंट में क्या हो रहा है, इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेकेंड इंस्टेंट में क्या है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये इसको ये कंसीडर किया था, इसको हम लोगों ने बी कंसीडर किया था ना, तो ए में नेगेटिव हो रहा है, इधर देखिए इसमें ए में नेगेटिव हो रहा है, इधर से आपका सप्लाई जा रहा है, सप्लाई जा रहा है, इधर 10 ओम से हुक किया, देखिए इधर एक डायोड लगा है, एक कैथोड है, एनोड है, ये डायोड ए बायस में लगा है, इसका देखिए सेकंड केस में ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव में नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो रिवर्स बायस से जब काम करता है इस जगह वोल्टेज के जो पुल अप, ये वोल्टेज क्या रहता है, इसमें एक वोल्टेज दिया रहता था, ये वोल्टेज का क्या काम था, इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो काम करेगा, लेकिन ये 470 मतलब 4.470 मतलब 4.7 4.7 के किलो ओम का एक रेजिस्टेंस देके इस जगह को वोल्टेज बढ़ा के रखता था, किसी वजह से वो जो बोल रहा था ब्रेक दबाने का काम, ये रेजिस्टेंस ब्रेक दबाने का काम कर रहा है, और इस जगह में भी ये सिस्टम ब्रेक दबाने का काम करता है, ये ब्रेक दबा के रखता है, इसको ऑन करने नहीं देता, तो इस केस में क्या कर रहा है, ये अगर इसमें नेगेटिव आ जा रहा है तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको रिवर्स बायस में इसको काम करके इसको खींच ले रहा है, तो इसको कूल डाउन कर दे रहा है, इस जगह में नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, इसमें नेगेटिव जब होता है तब ये नेगेटिव आ जाता है, ये काम कर जाएगा, ये जब काम करता है तब इधर से सप्लाई, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव हो गया, जुड़ गया, तो इधर से ऐसे घूम के इधर से पॉजिटिव आके 200 ओम्स के थ्रू, पहले वाला में नेगेटिव आ रहा था, अभी देखिए पॉजिटिव आ रहा है 200 ओम्स के थ्रू, इधर से आ रहा है, तो
तो हमको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है जिसमें नेगेटिव के साथ जोड़ना है, अल्टीमेट नेगेटिव के साथ जोड़ना है। तब नेगेटिव के साथ जब जोड़ना है, देखिए इधर ये बी में क्या आ रहा है, उस टाइम पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक पी चैनल का मॉस्फेट, सॉरी एन चैनल का मॉस्फेट लेना पड़ेगा, एन चैनल का मॉस्फेट लेके हमको नेगेटिव के साथ बायसिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से देखो, इधर से एक करके लिया, एक्चुअली फ्रेंड क्या है ना, अगर आप खुद से स्टार्ट ही कर रहे हो तो और ठीक है, इसको पढ़ाने में बहुत ये होता है, तो एक गलती हो गया तो ले। तो इसको नेगेटिव कर दिया, इसको दे दिया। तो देखिए इसमें भी एक काम होता है, इसमें एक ओम्स का रेजिस्टेंस देके इसके साथ जुड़ा रहता है, एक ही साथ जुड़ा रहता है, और इसको जब डाउन करना पड़ेगा, पुल डाउन करना पड़ेगा, तो इसके आई थिंक हम लोग को समझ में आ रहा आएगा। देखिए इसमें देखिए ये क्या है, सोर्स है, ये ड्रेन है। तो क्या कर रहा है ये बी में क्या हो रहा है, बी को बी में हमको नेगेटिव आ रहा है उस टाइम में, और सॉरी बी में उस टाइम में पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड इंस्टेंट में पॉजिटिव आने के वजह से ये एन चैनल का मॉस्फेट है, गेट में पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट चलना चालू हो जाएगा, मतलब इस साइड जुड़ जाएगा। तो इधर से आप पॉजिटिव आ रहा था, इधर से घूम के, इधर से घूम के, इधर से घूम के, इधर से हमको नेगेटिव चला गया, मतलब करंट दूसरा तरह से चल गया। तो आपको ये एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जब आपका ये दोनों ऑन होगा तो इस दोनों ऑफ रहेगा, ठीक है, बट सर्किट में क्या होता है, जब ये दोनों को ऑन करता है दूसरे को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, कैसे ऑफ होता है, अब इस चीज को देखना है, ठीक है। देखिए पहले जो भी था हम लोग ये जो डॉटेड किया है, इस जगह में आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को कंसीडर कर रहा है, पहले भी पल्स था, आगे भी पल्स है, तो पहले ए को कंसीडर कर लेते हैं। ए लाइन में क्या हो रहा है, ए में आपका हाई है, मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ए में आ रहा है, पॉजिटिव इधर से जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इधर से जा रहा है, जाने के बाद आपका इधर से एक फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टेंस होके 4.7 के होके लगा है, मतलब इधर से वोल्टेज आके इधर भी जा रहा है, इधर के भी जा रहा है, लेकिन ये इतना जोर ज्यादा नहीं है जो इसको इस वोल्टेज को पुल डाउन करवा देगा, तो इस वजह से ये ग्राउंड नहीं हो रहा है, ये डायोड है, क्योंकि ये क्या है, इसका जो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायस में ही लगा है, फ्रेंड्स ये फॉरवर्ड बायस में ही है, मतलब ये कैथोड है, नेगेटिव है, ये एनोड है, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस में लगा है, इधर वोल्टेज आके दो डिवाइडेड हो रहा है, इसके इधर से भी इतने डायोड रेजिस्टेंस की वजह से जितना डाउन कर रहा है ज्यादा डाउन नहीं कर पा रहा है, बाकी इस जगह में चला जा रहा है, इसको हायर कर रहा है। देखिए ये क्या है, आईसी का 7 और 8 नंबर पिन, आईसी का 7 और 8 नंबर पिन ये है, ये वाला है, ये क्या है जो आपका जो इसका ना जो फेड है, फेड 2 दो नंबर है, एक नंबर ए दो नंबर है, एक नंबर है अगर बोले तो ये इसका ये दो नंबर 7-8 एक साथ जुड़ा है, ये क्या है आपका ड्रेन है, अकॉर्डिंग टू सर्किट देखिए ये ड्रेन भी होना चाहिए, मैं क्या था? सिंगल जो पिन लगा रहता है ड्रेन है, ये ड्रेन के साथ लगा है, मतलब ये सोर्स से पॉजिटिव सोर्स से नेगेटिव आके ड्रेन में चला गया, ये क्या है इस जगह में आप देखिए, इस जगह में देखिए वन है इधर वन है दो नंबर का सोर्स है, मतलब दो नंबर का सोर्स है आईसी में लगा है, तो नेगेटिव इधर से होके 7-8 नंबर पिन से निकल रहा है, उसके बाद इधर से जा रहा है, और देखिए इधर दो लगा है, ये दो जो है दो नंबर का गेट है, मतलब इधर से पॉजिटिव आके इसका दो नंबर में दिया, फायरिंग हुआ, उसके बाद आईसी का दो नंबर में दिया, उसके वजह से इस आईसी का एक नंबर से करंट 7-8 नंबर में चालू हो गया, ठीक है चालू हो गया, इधर से पॉजिटिव इधर से करके घूम के जा रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में इसको बंद रहना है, इसको बंद रहने के लिए आप लोग देखिए ये क्या कर रहा है, उस केस में इधर नेगेटिव है, ठीक है, इस केस में बी में
वी में नेगेटिव है, हाँ सॉरी हाँ देखिए उस केस में क्या है, उस केस में देखिए इधर जब पॉजिटिव आ गया, इधर जब पॉजिटिव आ गया तो ए के ए भी ए के साथ जुड़ा है इस जगह में, बट इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, अब एक देख लीजिए इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज इधर से पॉजिटिव देके इसको पुल अप करके रखा है, ये पुल डाउन किया था इस साइड में, पुल डाउन करने के अब किया नहीं, सेकंड स्टेज में होगा पुल डाउन के लिए, पुल अप के लिए लगाया। मतलब इसमें अब क्या पता है आप लोगों को, पी चैनल में गेट में नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा तो ये काम करेगा, नेगेटिव आएगा तो काम करेगा, लेकिन इधर तो नेगेटिव नहीं आ पा रहा, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए देख के पॉजिटिव देके रखा है, और इधर से भी पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब ये इधर भी पॉजिटिव दे रहा है, इधर भी पॉजिटिव दे रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो ये सर्किट, ये सर्किट क्या करेगा, ये मॉस्फेट को ऑन करने नहीं देगा, इसके वजह से इधर से करंट इधर चल रहा है, इधर के जा रहा है सेकंड स्टेट में। बी में देखिए, बी में क्या कर रहा है, इस जगह में नेगेटिव है, नेगेटिव कहां पे काज करेगा, इधर से नेगेटिव आ रहा है, बट ये पॉजिटिव आने से काम करता है, ये तो काम नहीं करेगा, तो इसको काम करेगा, एक कैसे का काम करेगा, इधर से सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आने के अरे सॉरी नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया और इधर से आपका पॉजिटिव आ गया, तो ये रिवर्स वाइज में क्या कर रहा है, इस जगह में आपका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस जगह में मैंने लगाया नहीं था, इस जगह में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये क्या कर रहा था, इस जगह में जो वोल्टेज था इसको इधर से पुल डाउन कर लिया, तो इस जगह में नेगेटिव आ गया, मतलब ये नेगेटिव देखिए, ये नेगेटिव आ गया इधर, इधर पॉजिटिव आ गया, तो ये रिवर्स वाइज में काम कर गया, जब रिवर्स वाइज में काम कर गया तो ये उसको पुल डाउन कर लिया, ये पुल डाउन कर लिया तो इसको कोलैप्स कर लिया, तो ये तहन ये तब चालू हो गया, तो ये जब चालू हो गया, और इस केस में क्या है, इस केस में क्या हो गया, इसमें अब जब नेगेटिव आ रहा है, इसमें जब नेगेटिव आ रहा है तो 10 ओम्स के थ्रू नहीं भी डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा, तो ये जो इस जगह में जो वोल्टेज था ये इधर से फॉरवर्ड बायस में जाके इसको डिस्चार्ज कर दिया। मतलब ये नॉर्मल डायोड है, जेनर डायोड है, ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा जी ये सर ये इधर हमने बोला था एक डायोड का पॉज कैथोड और एनोड है, कैथोड में पॉजिटिव होगा, कैथोड में नेगेटिव होना चाहिए, एनोड में पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, लेकिन इधर देखिए ये डायोड है एक्चुअली 4148 है और एक जेनर डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, ये कन्फ्यूजन आपको होगा, तो ये डाउन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये दोनों बंद हो जाएगा, ये दोनों चालू हो जाएगा, ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली चलता है सेकंड स्टेज में, ये सारे आईसी काम करते, ये बाकी जो ड्रेन है इसके अंदर, मतलब बाकी जो देखिए ये आईसी दिखाया, फिर सेकंड स्टेज में इसका ये जो जो गेट वन मतलब ये जो फेड लगा है, ये जो बाकी से पड़ा गिरा गया इसको लेकर काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप लोगों को दोबारा एक इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा नहीं तो उसमें समझा दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।